हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी टॉप एमसीक्यूज़ हैं एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड आने वाले एग्ज़ाम में आप इस जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर हैं उससे कम से कम एक से दो क्वेश्चन गारंटीड बनते हैं चाहे आप यू की बात करें या फिर किसी भी पी एग्जाम की बात करें या फिर आप कोई भी वनडे का एग्जाम दे रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी में से जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है सो so, स्टार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है उसे ही हम कवर करेंगे सो टू स्टार्ट विथ सबसे पहला क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ठीक है कौन सा ऐसा राइट है जो कि एमरजेंसी के समय पे सस्पेंड uh, या निलंबित नहीं किया जा सकता तो इन सारे ऑप्शन में से राइट टू स्पीच राइट टू रिलीजन राइट टू इक्वालिटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो ये ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल ट्वेंटी वन दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग एमरजेंसी सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ आर्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड एकवल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद द टेरेटरीज ऑफ इंडिया तो एकवैलिटी बिफोर लॉ एंड एकवल प्रोटेक्शन ऑफ़ लॉ किस आर्टिकल के अंदर आता है आर्टिकल फ़िफ्टीन आर्टिकल फ़ोर्टीन आर्टिकल सेवनटीन एंड आर्टिकल एटीन तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल फ़ोर्टीन इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आर्टिकल फोर्टीन क्या बोलता है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कौन से आर्टिकल के अंदर किया है तो आर्टिकल एटीन आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल फ़ोर्टीन या आर्टिकल सेवनटीन पहले हमने देखा है कि आर्टिकल फोर्टीन तो इसमें से नहीं हो सकता क्योंकि हमने जस्ट देखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि आर्टिकल ट्वेंटी तो इसमें ऑप्शन नंबर सी तो आप एलिमिनेट कर देंगे ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से आता है ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ आर्टिकल सेवनटीन आर्टिकल सेवनटीन तो क्या कहता है आर्टिकल सेवनटीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी अन जो है वो अबॉलिश है इन एनी फॉर्म किसी भी फॉर्म में अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको ये फॉबिडन है हमारी कंट्री में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एंड अगर कोई अन को प्रैक्टिस कर रहा है इन एनी फॉर्म तो दैट इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ इसके तहत लॉ बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड है कि अगर आपने इस 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 फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी है तो इसके लिए ये पनिशमेंट है ये फाइन है या इतने साल के लिए जेल जाना पड़ेगा आपको अब जो अनटचेबिलिटी है जरूरी नहीं है कि आपको ये बोला जाए कि अछूत हो इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते किसी भी रीज़न से अगर आपको बोलते हो कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके उनका पब्लिक नल से अगर आप पानी निकाल रहे हो तो वहाँ पे रोकना उनको या फिर किसी टेम्पल पे जाना किसी पब्लिक प्लेस पब्लिक प्लेस मतलब डेट इज़ फंडेड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ऐसे वाले कोई भी प्लेस पे जाना अगर कोई करता है और वहाँ पे जाने से अगर आपको रोक रहा है इन एनी फॉर्म तो ये अपना ऑफेंस है तो याद रखिएगा आर्टिकल सेवनटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में अगर आप एन की बात करें सी की बात करें यू uh, पी की बात करें पी या फिर आप यू पी पी की बात करें बिहार पी में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑलवेज़ रिमेंबर कि एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट होता ही होता है स्पेशली जो हमारे यू वाले जो एन वगैरह का और सी का एग्ज़ाम लेते हैं उनसे आप देखिए कम से कम दो से तीन क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट होता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होगा या तो उस टॉपिक से क्वेश्चन लेके आते हैं इसलिए जब जब भी जो भी एग्जाम आप टारगेट करें उस साल जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके एमसीक्यूज देख के जाना और स्पेशली अगर आपका एग्जाम इन द मंथ ऑफ अप्रैल है तो जनवरी से लेके अप्रैल तक में जो भी एग्जाम हुए होंगे उसके एम सी क्यू से जरूर देखिएगा पास्ट फोर फाइव मंथ्स में जो भी पेपर हुआ होगा उसके एम सी क्यू देख के जाना एक समझदारी का काम है क्योंकि या तो आपको सेम क्वेश्चन रिपीट होगा या तो उस टॉपिक से रिपीट होगा तो जब भी हम आप रिसेंटली कोई क्वेश्चन को पढ़े होते हैं ना तो आपके दिमाग में वो मेमोरी फ्रेश होती है तो रिमेंबर दैट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है बैक टू द सेम क्वेश्चन कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित कौन सा ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी या फिर इक्वैलिटी बिफोर लॉ इक्वैलिटी बिफोर लॉ तो नहीं आप इसे काट सकते हैं बिकॉज हमने देख चुके हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग आर्टिकल कहाँ पे है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर के बीच में ट्वेंटी फाइव के बाद से हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस वाला आ जाता है और ट्वेंटी थ्री ए क्या बोलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि बेगार हो गया या फिर अदर फॉर्म्स या फिर फोर्सफुली किसी को लेबर करना उसको हम वो प्रोहिबिट करता है सबसेक्शन टू क्या बोलता है नथिंग इन इन दिस आर्टिकल

और अगर कंट्री को आवश्यकता हो कि आप उसको कंपलसरी सर्विस लेके जाएं इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि यूएसए में क्योंकि यूएसए जनरली सब कोई जनरली uh, बहुत सारे वॉर करता है डेमोक्रेटिक uh, कंट्री है बट वो हर अदर कंट्री के मैटर्स uh, पे इंटरफेयर करता है तो आपको पता होगा कि यू में जितने भी व्यक्ति हैं उनको कुछ साल के लिए कंपलसरी आर्मी की सर्विस देनी होती है स्पेशली जो वियतनाम वॉर हुआ था वहाँ पे ऐसा यूएस में किया गया था इसके अगेंस्ट में रशिया में भी ये चीज़ अभी रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो यूक्रेन वालों ने भी कंपल्सरी सर्विस मतलब वो लोग जो आर्मी के लिए ट्रेन नहीं हैं बट क्योंकि आपकी कंट्री वॉर में है और आपने चूज किया है कि वॉरिंग कंट्री या तो आप कंट्री छोड़ के चले जाइए मगर आप कंट्री में अगर स्टे कर रहे हैं तो आपको कंपल्सरीली कुछ महीने के लिए फिर कुछ सर्विस अपनी देनी है तो ये सब क्लॉज टू बोलता है तो अगर कंपलसरी सर्विस मांग रहा है स्टेट तो उसमें फिर ये प्रोहिबिशन नहीं आता दैट विल नॉट कम अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा एंड आर्टिकल ट्वेंटी फोर अभी क्योंकि ये क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री से रिलेटेड है ट्वेंटी फोर भी ध्यान में रख लीजिए नो चाइल्ड इसमें चाइल्ड लेबर को अबॉलिश चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर रहा है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ फोटीन शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी काइंड ऑफ हजारडियस एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ट्वेंटी थ्री वन क्या बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार एंड ट्वेंटी फोर क्या बोलता है चाइल्ड लेबर के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड तो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में प्रोवाइड है तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फाइव या पार्ट फोर तो करेक्ट ऑप्शन है पार्ट थ्री पार्ट थ्री में आपको फंडामेंटल राइट्स का है पार्ट थ्री ठीक है सो पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट फॉर द सिटीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को प्रेफरेंस देना है किसके ऊपर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट के ऊपर तो ये कौन देता है तो ये आर्टिकल थर्टीन देता है अगर हम आर्टिकल थर्टीन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल थर्टीन क्या बोलता है जितने भी लॉ मेड बाय विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जितने भी लॉ है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल अंडर पार्ट थ्री के अंडर अगर वो वो वाले लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो उस लॉ को शैल एक्सटेंड टू द इनकन्सिस्टेंसी शैल बी वॉइड हम उसको नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं और ये पावर किसको गिवन है हु विल चेक की लॉ इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं तो ये पावर गिवन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू ठीक है तो राइट right अवे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं बिकॉज दोनों क्वेश्चन साथ में समझना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट right को एनफोर्समेंट करने का हक किसके पास है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है है ना ये तो हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट वाया आर्टिकल थर्टी टू एंड हाई कोर्ट वाया आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स इसके तहत अगर फंडामेंटल राइट right को अगर एनफोर्स कराना हो तो हम इसके इसके अंडर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एनफोर्स होते हैं हावेवर इसके साथ साथ में अंडर द सेम आर्टिकल आर्टिकल थर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ग्रांट करता है जुडिशियल रिव्यू का पावर जुडिशियल रिव्यू का पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कि इन केस कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ें वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टी टू अंडर आर्टिकल थर्टी टू एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स इन एक्सरसाइजिंग देअर पावर मे डिक्लेयर एनी लॉ कोई भी लॉ इनएक्ट किया गया हो लेजिस्लर के थ्रू या फिर पार्लियामेंट के थ्रू उसको वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड कि वो ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट वो फंडामेंटल राइट right के अगें ये जो पर्टिकुलर लॉ बनाया है पार्लियामेंट या स्टेट ने ये लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर इट इज टेकिंग अवे आर फंडामेंटल राइट तो ये जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे दिया हुआ है तो जुडिशल रिव्यू आर्टिकल थर्टीन में दिया हुआ है और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर किसके पास है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल के अंदर तो आर्टिकल थर्टी टू एंड आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स फॉर द हाई कोर्ट ये आप ध्यान में रखिएगा घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आते हैं इन्हीं आर्टिकल्स में से आते हैं इसलिए मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि आर्टिकल्स जनरली मैक्स आई एम नॉट सेइंग ऑल द स्टूडेंट्स बट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी फंडामेंटल राइट्स तो फैक्चुअल है फंडामेंटल राइट्स को रटना पड़ता है इसलिए हम आखिरी में रटेंगे ये जो आखिरी वाला काम होता है ना बेटा आखिरी में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है तो आप आखिरी के लिए रोकेंगे ना कोई चीजें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे आपको देन एंड देयर राइट अवे स्टार्ट कर दीजिए दिन का दस दस फंडामेंटल राइट पढ़ लीजिए अपना चार्ट बना के रखिए दीवार के पास में लिस्ट ऑफ ऑल दोज हंड्रेड या हंड्रेड एंड फिफ्टी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट आप बना के रख लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है और उन आर्टिकल को दिन का दस दस भी आप याद करते हैं तो आप ये 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 आर्टिकल्स आपके दिमाग में इंटरनलाइज हो जाएंगे फिर आपको एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रटना या फिर कोई चीज़ को मग अप करना इज एन एफर्ट बट कोई इन्फॉर्मेशन को आप इतने बार पढ़ लें इतने बार रिपीट कर लें कि वो आपको ऑलरेडी uh, हेल्प करे वो आपके लाइफ में या फिर आपके दिमाग में इंटरनालाइज आ जाए तो आपको उस चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा तो प्लीज़ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटी एंड डी के जितने भी आर्टिकल्स हैं आज से आप रटना चालू कर दीजिए दिन का दस आर्टिकल पकड़िए काम बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं सो दे आर जस्टि जस्टिफिएबल इन नेचर तो ऑप्शन ए है हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट कैसे फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल कैसे हैं आर्टिकल थर्टी टू टी ट्वेंटी सिक्स जस्ट पढ़ा है ना इसके पहले तो एनफोर्सिएबल है बट ये भी ना ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट दीज आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो जिसको हम रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड

सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी ठीक है इट कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी फॉर विच प्रोविज़न किस प्रू किस प्रोविज़न के अंदर दिया हुआ है तो आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट एंड थ्री फिफ्टी नाइन के अंडर हमको ये राइट दिया हुआ है कि हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड uh, कर सकते हैं बट इन सारे फंडामेंटल राइट्स हमको तो पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए गए हैं आर्टिकल आर्टिकल फोर्टीन से लेके आर्टिकल थर्टी टू तक के बीच में तो इसमें जो आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन है ना ये दोनों जो फंडामेंटल राइट right है इसको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है अब अंडर विच आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट तो अभी मैंने आपको बताया कोर फंडामेंटल राइट आर्टिकल फोर्टीन से थर्टी टू के बीच में है बट जो प्रोविजन हैं आर्टिकल ट्वेल्व से थर्टी फाइव ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्व से थर्टी फाइव के बीच में जो जो आर्टिकल्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स बट जो कोर फंडामेंटल राइट्स है ना वो फोर्टीन से थर्टी टू के बीच दिया हुआ है तो अगर आपके ऑप्शन में ये है या फिर ये है दोनों ही करेक्ट होगा ठीक है उसके बाद में ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन सो पार्ट थ्री पार्ट थ्री भी याद रखिए आर्टिकल ट्वेल्व से थर्टी फाइव भी याद रखिए और कितने फंडामेंटल राइट्स है देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया है नेक्स्ट है द राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन आर्टिकल फोर्टीन ये हमने पहले देखा है ऑप्शन नंबर बी फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओ बी सी एस सी एंड एस टी इज मेड कहने का मतलब है कि प्राइवेट uh, या अनएडेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें ओ बी सी के लिए शेड्यूल uh, ट्राइब के लिए एंड शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है तो ये किसके अंडर है तो आर्टिकल फिफ्टीन फाइव के अंडर है ये आप ध्यान दीजिएगा आर्टिकल फिफ्टी फाइव फिफ्टीन क्या बोलता है कि फिफ्टीन इज रिलेटेड टू द कि कोई किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ़ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इसके अलावा अगर किसी और ग्राउंड पे प्रोहिबिशन हो रहा है तो वो फिर सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है मगर रिलीजन रेस सेक्स कास्ट प्लेस और बर्थ के बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इट इज़ नॉट अलाउड इट इज़ प्रोहिबिटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और क्लॉज फाइव पे डील करता है बट अगर हम एस सी एस टी या फिर किसी वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं जैसे कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट अदर देन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रिफर टू क्लॉज वन आर्टिकल थर्टी फिर नाइन्टी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू थाउजेंड एंड फाइव ने इनेबल किया था कि ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन किस को मिलेगा बैकवर्ड क्लास को सो आर्टिकल फिफ्टीन फाइव आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट तो जो आर्टिकल थर्टी टू और टू ट्वेंटी सिक्स का जो पावर है ना उस पावर को हम बोलते हैं रिट द पावर टू कैन फाइल द रिट पटिशन तो ये आर्टिकल थर्टी टू जो प्रोवाइड किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है ना तो सुप्रीम कोर्ट के लिए थर्टी टू है और टू ट्वेंटी सिक्स किसके लिए है हाई कोर्ट के लिए तो क्योंकि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फिर है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देर जस्ट हमने देखा है देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है इसे स्क्रीन शॉट मार लीजिए ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए फोर्टीन से एटीन राइट टू इक्वालिटी नाइनटीन से ट्वेंटी टू राइट टू फ्रीडम थर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर ऊपर देखा है हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पच्चीस से अट्ठाइस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ट्वेंटी नाइन से थर्टी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल थर्टी टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नेक्स्ट है आर्टिकल हैच फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट में uh, कौन सा राइट अबोलिश किया है तो देखिए यहाँ पे हमारा हमने यहाँ पे देख लिया ना सारी चीज़ें उसके बाद में जो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी है इसको अबोलिश किया गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी कहाँ पे अबॉलिश किया है तो आर्टिकल सेवनटीन हमने देखा है इसके पहले विच आर्टिकल ऑफ द विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वालिटी ऑफ अपरचुनिटी तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि यहाँ पर हमने फोर्टीन में क्या देखा है कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ है बिटवीन फोर्टीन एंड एटीन तो इक्वालिटी की बात फोर्टीन और एटीन में कर रहे हैं बट स्पेसिफिकली जो Opportunities हैं रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो बात कर रहा है अगर पूरा आर्टिकल पढूं तो लिखा है कि किस इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट तो ये हमको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल सिक्सटीन के अंदर ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत हो जाएगा क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं सिर्फ इक्वालिटी देखते हैं और राइट टू इक्वालिटी तो हमको पता है कि आर्टिकल फोर्टीन से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे फोर्टीन से एटीन में राइट टू इक्वालिटी है बट वो अलग अलग तरीके का राइट right है जैसे कि आर्टिकल फोटीन टॉक्स अबाउट की अगर हम आर्टिकल फोर्टीन देखते हैं तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ बोल रहा है फिफ्टीन बोलते हैं तो आ, वो क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड जो हमने अभी जस्ट देखा है है ना और उस तरीके से अगर आर्टिकल सेवनटीन बोलते हैं तो आर्टिकल सेवनटीन हमने देखा है वो अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है तो आर्टिकल सिक्सटीन किसकी बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है तो बस इसको आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कभी कभी जल्दी जल्दी में है ना मिस्टेक जो करते तो हम आर्टिकल फोर्टीन देख के हम पहला ही ऑप्शन जाके वहाँ पे टिक नहीं करना है हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई द एटी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टू थाउजेंड एंड टू टू थाउजेंड एंड टू में आपको पता है अटल बिहारी जी की सरकार थी उन्होंने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट right बनाया था इसके पहले राइट टू एजुकेशन हमारा कहाँ पे था ये हमारे डी पी एस पी का पार्ट था ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी वन बोलता है कि दे राइट टू एजुकेशन का नाम है टाइटल ही ये है और ये बोलता है कि जो स्टेट है शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑल चिल्ड्रन एट द एज बिटवीन सिक्स टू फोर्टीन सिक्स टू फोर्टीन के बीच में सारे लोग को कंपल्सरी uh, एजुकेशन होनी चाहिए और ये ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा मगर कभी कभी वो एट्टी सिक्स अमेंडमेंट पूछ लेता है कभी कभी आर्टिकल ट्वेंटी वन ए क्या है ये पूछ लेता है या कभी कभी ये पूछता है कि राइट टू एजुकेशन कब दिया गया एंड अंडर विच आर्टिकल दिया गया तो ये सारे सारे फैक्ट को एक एक ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट को तीन चार टाइप के क्वेश्चन बना के पूछता है ठीक है नेक्स्ट है विच आर्टिकल इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो कल्चरल और एजुकेशन राइट हमको पता है कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम यू एस ए तो इट वाज फंडामेंटल राइट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स जो है अगर यू एस ए की बात करें तो यू एस ए में इसको क्या बोलते हैं बिल्स ऑफ राइट या फिर बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं एस यहाँ से हट जाता है तो बिल ऑफ राइट्स जो है जो कि यू में बिल ऑफ राइट्स है वो बिल्कुल मिरर करता है हमारे फंडामेंटल राइट right को इट्स जस्ट दैट उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी और चीज़ों में उनको राइट right मिला है और हमें कुछ और चीज़ों में राइट right मिला है मगर फंडामेंटल राइट्स हमने जो बोरो किया है वो यू के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू अगेन आई विल रिहाइट्रेट की आर्टिकल uh, रटन अभी से चालू कर दीजिए जिस भी रूम में आप पढ़ते हैं जिस जिस भी टेबल में आप पढ़ते हैं मेक इट अ पॉइंट की एक चार्ट बना के सामने रख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का और आर्टिकल वन से लेके आर्टिकल फिफ्टी वन ए के अंदर जो कुछ भी है वो तो आपको रटा होना चाहिए वहाँ से आप बिल्कुल भी आ, आप कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो इस फैक्ट को आपको कम से कम आर्टिकल वन से फिफ़्टी वन क्योंकि डी पी एस पी खत्म होता है फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होता है फिफ्टी वन में ये पूरा आपको रटा होना चाहिए इसके अंदर भी जो स्पेशली जो अंदर वाले प्रोविजन होते हैं ना अगर आपने देखा होगा आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज फाइव से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो सब क्लॉज भी होते हैं ना वो भी आपको ध्यान में रखना है इसलिए क्योंकि इतना सारा चीज़ याद करना है इतने सारे आर्टिकल्स याद करने हैं और ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली फैक्ट आपको याद करना है जब जैसे जैसे एग्जाम पास आता है आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है तो उतने सारे फैक्ट जब ऐड होंगे तो हो सकता है कि ये जो इसको हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं जो रिपीटेड ईयर्स में आते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट इज द लो हैंगिंग फ्रूट तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन गारंटी आने वाले हैं उस पर तो हम मिस्टेक ना करें और वो हम कब कर सकते हैं जब सारी इंफॉर्मेशन को हम इंटरनलाइज करेंगे तो मेक इट अ पॉइंट चार्ट बनाइए दीवार में चिपकाइए और रोज़ दस दस आर्टिकल बनाने का दस दस आर्टिकल आपको रटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है ये आपसे कोई करवाएगा नहीं आपको कोई पढ़ा सकता है आपको एक्सप्लेन कर सकता है इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो